स्पेशल ट्रेनों से स्पेशल का टैग हटाकर नॉर्मल फेयर पर चलाया जा रहा है, लेकिन पैसेंजर ट्रेनें अब भी स्पेशल बनकर चल रही हैं और इन ट्रेनों में स्पेशल के नाम पर एक्सप्रेस का किराया ही लिया जा रहा है। एक तरफ राज्य सरकार ने सभी तरह के कोरोना पाबंदियों को खत्म करने का ऐलान कर दिया है, दूसरी ओर रेलवे लोकल यात्रियों से कोरोना के नाम पर पैसे लिया जा रहा है। रेलवे ने हाल ही में जिन दो और पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है उसमें भी यात्रियों को एक्सप्रेस का ही किराया लगेगा। भागलपुर साहिबगंज और भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों में सिर्फ दो जोड़ी ही ऐसी ट्रेनें हैं जिनमें पैसेंजर का किराया लिया जा रहा है। इसके अलावा जितनी पैसेंजर ट्रेनें चल रही हैं उनमें एक्सप्रेस का किराया लिया जा रहा है। चूंकि ब्रांच लाइन में एक्सप्रेस का किराया लागू नहीं है इसलिए भागलपुर हसदिया और भागलपुर बांका पैसेंजर ट्रेन में पैसेंजर का किराया लगता है। इसके अतिरिक्त भागलपुर से आजिमगंज जाने वाली पैसेंजर, साहिबगंज से जमालपुर जाने वाली पैसेंजर, रामपुरहाट गया पैसेंजर आदि ट्रेनों में एक्सप्रेस का किराया लिया जा रहा है। विक्रमशिला एक्सप्रेस शरीफी कई ट्रेनों की जनरल बोगियों में भी अभी तक आरक्षण कराकर ही यात्रा करना पड़ रहा है। इसके कारण इन ट्रेनों में भी यात्रियों को यात्रा करने के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। साहिबगंज से भागलपुर, कहलगांव, पीरपैंती, नाथनगर, सुल्तानगंज, अकबरनगर, बरियारपुर, रतनपुर, जमालपुर आदि जगहों की यात्रा करने वाले लोकल यात्रियों की जेब हल्की हो रही है। एक्सप्रेस का किराया लागू कर दिया गया है और मजबूरी में यात्री टिकट भी ले रहे हैं, लेकिन ट्रेनों में भीड़ इतनी होती है कि बैठने की जगह तक नहीं मिलती। ऐसे में खड़े होकर यात्रा करने पर भी यात्रियों को पैसेंजर ट्रेन में एक्सप्रेस का किराया देना पड़ता है। बिहार सरकार ने एक दिन पहले ही राज्य में सभी तरह की कोरोना पाबंदी को हटाने की घोषणा की है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर रेलवे कोरोना के नाम पर यात्रियों से कब तक अधिक किराया वसूलता रहेगा। जो पैसेंजर ट्रेनें एक्सप्रेस बनाकर चलाई जा रही हैं उनमें कितनी भी कम दूरी की यात्रा करें 30 रुपए से कम का टिकट नहीं मिलता है। वहीं पैसेंजर ट्रेनों में न्यूनतम किराया महज 10 रुपए है। मसलन भागलपुर से नाथनगर या सबौर भी जाना हो तो यात्रियों को 30 रुपए ही देने होंगे। इन जगहों के लिए ऑटो का किराया भी 10 से 15 रुपए ही है। किराया अधिक होने के कारण डेली पैसेंजर को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रविवार को भागलपुर से बरियारपुर जा रहे एक यात्री ने बताया कि उनसे 30 रुपए किराया लिया गया। बरियारपुर से आने के समय भी 30 रुपए ही किराया लिया गया था, जबकि पहले पैसेंजर ट्रेन में सिर्फ 10 रुपए का किराया लिया जाता था। बरियारपुर ही जा रहे एक और यात्री ने बताया कि 30 रुपए उससे भी किराया लिया गया। पैसेंजर ट्रेन में एक्सप्रेस का किराया लेने का कोई मतलब नहीं है। तो वहीं शिवनारायणपुर जा रहे यात्रियों ने भी बताया कि उनसे भी यही किराया लिया गया है। सीनियर डीसीएम पवन कुमार ने कहा कि रेलवे बोर्ड से ही पैसेंजर ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाने का निर्देश आया है। जो पैसेंजर ट्रेन स्पेशल बनकर चल रही हैं उसमें एक्सप्रेस का किराया लगेगा। जब तक बोर्ड से नया निर्देश जारी नहीं हो जाता तब तक व्यवस्था ऐसी ही रहेगी। आप बने रहे हमारे साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।